हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू लेक्चर फोर ऑफ अ चैप्टर थ्री दैट इज कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस अ चैप्टर फ्रॉम बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट वन प्रीवियस लेक्चर्स हमारे जो है पार्ट वन टू एंड थ्री जिसके अंदर डिटेल में हमने हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन को uh, पढ़ा है जहाँ पर वर्टिकल कम्युनिकेशन है अपवर्ड डाउनवर्ड कंप्लीट कर लिया है हमने आज जो हमारा लेक्चर होगा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो सेकेंड हिस्सा है सेकेंड पार्ट है जो कि आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक कौन सी लाइन एक स्लीपिंग लाइन को हम ड्रॉ करते हैं स्कूल में पढ़ा था ना हमने स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है जो स्लीपिंग लाइन है हमारी वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो इक्वल लेवल पर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मैनेजर फाइनेंस मैनेजर एच आर मैनेजर मैनेजेरियल पोजिशन पर है सारे के सारे एक ही पोजिशन पर आते हैं तो इसको हम बुलाते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है किस तरीके से होता है इसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑन द सेम लेवल इन द मैनेजेरियल हाइर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन याद रखना हॉरिजॉन्टल के लिए सेम लेवल वाला वर्ड आप याद रखिए ऑन द सेम लेवल इन द मैनेजेरियल हाइर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज हॉरिजोंटल और लेटरल कम्युनिकेशन तो ऐसे कम्युनिकेशन जो सेम लेवल पर होते हैं हायरार्की में उनको हम बुलाते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू रिकी ग्रिफिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इनवॉल्व कलीग्स एंड पियर्स एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो जो हम अपने कलीग से भी बात करते हैं ना जैसे आप नए नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो आप एक पोजीशन पर हो मैंने भी आपके साथ ही ज्वाइन किया हम दोनों सेम पोजीशन पर है हम दोनों कलीग्स हो सकते हैं पीयर्स हो सकते हैं या फिर आप अपने कॉलेज के फ्रेंड से बात करते हो तो आप लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आते हो क्योंकि हम जो है वो सेम लेवल सेम हायरार्की को बिलोंग करते हैं इसीलिए उसको बुलाया जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नाउ इन ऑर्डर दैट द डे टू डे बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीड स्मूथली दे मस्ट बी इफेक्ट अगर आप चाहते हो ऑर्गे में सारा का सारा काम बहुत ही स्मूदली चले बिना किसी के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना किसी लड़ाई झगड़े के तो हम चाहते हैं हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन होना ही चाहिए जरूरी है आपस में साथ में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो करना ही हमको पड़ेगा वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल ऑफ हायर जो है वो फॉलो हो रहा है नाउ अकॉर्डिंग टू बैटल एंड मार्टिन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज अलेटरल और डायग्नल मैसेज एक्सचेंज आइदर विद इन वर्क यूनिट बाउंड्रीज इन्वॉल्विंग हु रिपोर्ट टू द सेम सुपरवाइजर और अक्रॉस वर्क यूनिट बाउंड्रीज इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स हो रिपोर्ट टू डिफरेंट सुपरवाइजर्स यानी या तो आप दोनों जो बात कर रहे हो जो पीयर्स है कलीग्स है या तो आप दोनों सेम लेवल पर हो या तो आप दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सॉरी सेम लेवल तो दोनों के लिए चाहिए या तो आप एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो आप जिससे बात करते हो वो दूसरे डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है यहाँ पर डायग्नल तो आया लेकिन देखो यहाँ पर हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन है आप दोनों ही पीयर्स हो आप दोनों ही कलीग्स हो आप दोनों ही सेम लेवल ऑफ हायरार्की को फॉलो करते हो एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू कम्युनिकेट विथ सेल्स मैनेजर और विथ परचेजिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है किससे सेल्स मैनेजर से या फिर परचेज मैनेजर से या परचेजिंग मैनेजर से कम्युनिकेशन करना पड़ता है सिमिलरली इंटरचेंजेस विल टेक प्लेस फ्रॉम डिपार्टमेंटल हेड टू डिपार्टमेंटल हेड क्लर्क टू क्लर्क और वर्कर टू वर्कर बस इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात करता है एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात करता है एक क्लर्क दूसरे क्लर्क से बात करता है एक वर्कर दूसरे वर्कर से बात करता है डिपार्टमेंट्स हमारे अलग अलग है ठीक है हमने डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए हैं लेकिन आप सब एक ही लेवल को बिलोंग करते हो

मेथड का भी इस्तेमाल होता है जहां पर हम बात करें फेस टू फेस या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इज़ मच मोर इफेक्टिव एग्जांपल कमिटी मीटिंग्स इज़ एन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो फेस टू फे फेस और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है ये दोनों ही हमारे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का हिस्सा है बहुत ही ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ना कमिटी मीटिंग्स जो होती है तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि आप सब सेम लेवल पे होते हो एक कमेटी के अंदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज सच एस लंच रूम रिक्रिएशन रूम एनकरेज ओरल कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपल ऑफ द सेम रैंक एंड स्टेटस इन दर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लंच रूम होता है रिक्रिएशन रूम होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं फॉर द सिंपलेस्ट रीजन जो सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं सेम एज रेंज में आते हैं जेम पियर्स होते हैं सेम लेवल्स पर होते हैं ये लोग आपस में इंटरेक्शन जो है वो करते हैं Thus the formal horizontal channels needs to be built into the structure of the organization they help in planning and coordinating interdepartmental tasks and are helpful in sharing information सोल्विंग प्रॉब्लम विद इन वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट इफ यू सी दर इज अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू जो कि फॉर्मल हॉरिजोंटल चैनल के बारे में बात करता है तो अगर ये चार्ट देखो आपके टेक्सट बुक में भी दिया हुआ है सबसे पहले आते हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि एक हेड लेवल की पोजिशन पर है अब इसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं चाहे आपका एडमिन मैनेजर हो फिनेस हो फैक्ट्री हो कमर्शियल हो पब्लिक हो सेल्स हो प्रोडक्शन हो परचेज हो ये सब के सब सेम लेवल पर आते हैं एक ही लेवल को बिलोंग करते हैं जिसे हम बुलाते

Now there are certain advantages of horizontal channel of communication and certain disadvantages as well. हॉरिजोंटल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है एडवांटेज क्या बोलता है हैटल कम्युनिकेशन इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पीपल एंड कॉन्सिक्वेंटली इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ टीम वर्क हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन से क्या इंप्रूवमेंट आती है अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में सब सेम लेवल पर है तो आपस में टीम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन के जरिए पॉसिबल है विच इज अ फैक्ट एंड दैट इज द एडवांटेज सेकेंड इट एलिमिनेट्स मिस अंडरस्टैंडिंग जेलसीज ईगो क्लैश अमंग पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस इन दी ऑर्गेनाइजेशन अब हर कोई इक्वल स्टेटस पर है अगर मैनेजर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं हर कोई इक्वल स्टेटस पर है तो यहाँ किसी का ईगो बीच में नहीं आता है यहाँ पर किसी तरीके की जेलसी नहीं होती एक दूसरे से क्योंकि आप लोगों का स्टेटस आप लोगों का रैंक जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो सेम होता है आप कलीग्स हो आपस में काम कर रहे हो पियर्स हो आपस में साथ में काम कर रहे हो सेम लेवल पर हो एक दो साल का एक्सपीरियंस दोनों ही लेकर आते हैं तो यहाँ पर ईगो या जेलिसी की बात आती ही नहीं है देन

ये होता है हमारा एडवांटेज अब एडवांटेज तो हमने देख लिया लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखना और समझना बहुत ही जरूरी है तो दूसरा पहलू हमको बोलता है समटाइम्स देर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन बिकॉज वर्टिकल कम्युनिकेशन टेंस टू रिप्लेस हॉरिजोंटल और अ लेटरल वेराइटी ओके यहाँ पर हमको बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल वर्टिकल में आता है डाउनवर्ड और अपवर्ड तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि वर्टिकल कम्युनिकेशन टेंस टू रिप्लेस हॉरिजोंटल और लेटरल वराइटी वर्टिकल कम्युनिकेशन ये कोशिश रहती है कि हॉरिजोंटल को क्या कर दें हम रिप्लेस कर दें तो वहां पर क्या किया जाता है या तो कम्युनिकेशन डाउनवर्ड हो या तो वो अपवर्ड होना चाहिए

सामने वाले अभी आप लोग सेम रैंक पर हो सेम ग्रुप पर हो लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया या फिर किसी ने बहुत अच्छा सजेशन एडवाइस दिया उसका नाम सबसे ज़्यादा होने लगा उसकी तारीफ़ ज़्यादा होने लगी आ जाती है ना वो जलसी जो है वो हमारे अंदर अपने आप आ जाती है दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी वी के नॉट हेल्प तो अपने आप हम दूसरों से जलने लग जाते हैं उनके ऊपर बोलते हैं ना नजर लगाने लग जाते हैं उनकी सक्सेस को हम क्योंकि हमको वो पावर एंड पोजीशन नहीं मिल रही है जो उसको सेम लेवल पर रहते हुए मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मे मेक एम्प्लॉयज टू फ्रेंडली विथ ईच अदर एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिपिंग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से क्या होता है एम्प्लॉय कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं आप कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग आपस में चर्चा तो करेंगे चाय के ऊपर चर्चा तो इनकी होनी है जहाँ पर गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इससे टाइम वेस्ट होता है टाइम वेस्ट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है तो ये एक तीसरा डिसएडवांटेज होता है हमारे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो यहाँ पर हमने कुछ एडवांटेज भी देखे हैं डिसएडवांटेज भी देखे हैं अपने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के नेक्स्ट आता है हमारा डायगनल कम्युनिकेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डायगनल कम्युनिकेशन बेसिकली इट इज़ अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एनकरेजेज अ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन किसका है वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू डायगनल फार्मूला याद कर लो वर्टिकल प्लस हॉरिजोंटल इज इक्वल टू डायगनल इट वॉज एज अ रिस्पॉन् विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अब ये डायग्नल कम्युनिकेशन आया कहाँ से हमको पता चला की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से मदद लेने की जरूरत होती है तो ये तो हॉरिजोंटल हुआ ना डेफिनेटली हॉरिजोंटल हुआ लेकिन इसी के साथ साथ वर्टिकल भी तो हुआ एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरा डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हेड से जरूरत है उससे काम करना है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन भी आएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी आएगा दोनों को ही मिलाकर बनता है हमारा डायगनल कम्युनिकेशन अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है हॉरिजोंटल भी है तो ये होता है हमारा डायगनल कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बाई पीपल एट डिफरेंट लेवल अलग अलग लेवल पर होते हैं लोग उनके बीच के कम्युनिकेशन को हम बुलाते हैं डायगनल कम्युनिकेशन इट ऑकर्स बिटवीन पीपल हु आर एट इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड हु सर्व इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लेवल्स ऑफ अथॉरिटी अलग होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस कंसिडर बिल्ट अप फॉर अ प्लान प्रोग्राम ऑफ वर्क फ्रॉम इंडिविजुअल्स वर्किंग इन डिफरेंट ग्रेड्स एंड डिपार्टमेंट्स ओके इस एग्जाम्पल को हम छोड़ देते हैं मैं एक आसानी से आपको सिंपल से एग्जाम्पल समझाती हूँ जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा ओके okay, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हॉरिजॉन्टल का भी कॉम्बिनेशन है वर्टिकल का भी कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय जो कि एच डिपार्टमेंट में काम करता है एक एम्प्लॉय जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले की जो है कुछ Uh, कहानी ऐसी है कि उसकी सैलरी जो है वो डिडक्ट की जाती है अब ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ओके okay? और ये एच मैनेजर है अब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है वो बोलता है कि यार मेरी सैलरी जो है वो क्यों डिडक्ट कर दी गई क्या प्रॉब्लम है अब वो अपने मार्केटिंग मैनेजर को पूछेगा तो ये हो जाता है उसका वर्टिकल कम्युनिकेशन उसके ऑर्गेनाइजेशन के उसके डिपार्टमेंट के मैनेजर ने बोला कि भाई सैलरी जो काटते हैं सैलरी जो देते हैं उनको जाकर पूछो तो वो कौन है वो है हमारे एच डिपार्टमेंट के तो अब इन्होंने क्या किया इंटर डिपार्टमेंटल है ये मार्केटिंग है ये एचआर है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने एचआर मैनेजर को अप्रोच किया उनको पूछा भाई मेरी सैलरी क्यों कट की है मुझे बताना तो आपस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ इंटर डिपार्टमेंटल भी है तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटर डिपार्टमेंटल है और उसी के साथ साथ क्या है हमारा वर्टिकल भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन लोअर है इसकी पोजीशन हायर है तो बस इसी को हम बुलाते हैं या फिर समझ लीजिए उसने एच आर एग्जीक्यूटिव से ही बात कर लिया मैनेजर की भी ज़रूरत नहीं अगर एच आर एग्जीक्यूटिव से भी बात कर लिया दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से उसने बात किया है तो वो होता है हमारा डायग्नल कम्युनिकेशन उसे हम बुलाते हैं डायगनल कम्युनिकेशन ना सो डायग्नल कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड एज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स विद इन अ बिजनेस यानी कि इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं कहाँ पर शेयर कर रहे हैं कंपनी के अलग अलग स्ट्रक्चरल लेवल जो बनाए गए हैं उसमें शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन उसको बुलाते हैं डायगनल कम्युनिकेशन तो यहाँ पर विल्सन का कहना है डायगनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स लोकेटेड इन डिफरेंट फंक्शनल डिविजन्स बेसिकली विल्सन का कहना है डायगनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो कि मैनेजर और वर्कर्स के बीच में होता है जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल डिवीजन में काम करते हैं फंक्शनल डिवीजन जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं मार्केटिंग फाइनेंस एच आर ऑपरेशन सोन एंड सोफोज जितने भी डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग फंक्शनल लेवल के ऊपर जो मैनेजर्स एंड वर्कर्स का कम्युनिकेशन होता है वो होता है डायगनल कम्युनिकेशन फिर कम्युनिकेशन वर्बल एंड कंडक्टेड बाय टेलीफोन और रेडियो डायगनल कम्युनिकेशन क्या होता है वो कम्युनिकेशन जो वर्बली होता है जहां पर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन जो टेलीफोन या रेडियो के जरिए होता है ओके okay. इट इज़ अ मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ़ कम्युनिकेशन एंड कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये बहुत ही डायरेक्ट मेथड होता है बात करने का फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है हैंड दट इज कॉमनली इन यूज इन स्ट्रैटेजिक सिचुएशन विच रिक्वायर क्विक ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन और एडवाइस जहाँ पर इंफॉर्मेशन इमीजिएटली चाहिए एडवाइस की जरूरत होती है वहाँ पर डायग्नल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ डायग्नल कम्युनिकेशन पहला बोलता है इट एनेबल्स बिल्डिंग ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है तो क्रॉस फंक्शनल टीम के बीच में कम्युनिकेशन होता है एनेबल सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द ट्रांसमिशन तो सही इंसान की जो ज़रूरत होती है वो हमको यहाँ पर मिलती है सही इंसान तक सही मैसेज पहुँचाने की ज़रूरत होती है तो वो भी हमको डायग्नल कम्युनिकेशन में मिलती है एक बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस और इनफॉर्मेलिटी जो है वो हमको देखने मिलती है एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव से अगर बात कर रहा है या मैनेजर से बात कर रहा है इट इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन फिल्टर्स एंड एज अ रिजल्ट एनश्योर्स करेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली मैनेजर ने एग्जीक्यूटिव से बात किया दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में ना तो मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट है ना किसी एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट है सीधा सीधा मार्केटिंग मैनेजर बात कर रहा है एच आर एग्जीक्यूटिव से या एच आर मैनेजर बात करता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल्टर नहीं हो सकता है कोई भी मैसेज को फिल्टर नहीं किया जा सकता है बस इसीलिए ये एक एडवांटेज है डायगनल कम्युनिकेशन का इट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड क्रिटिक सिचुएशन जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट या इंटर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन तो दैट बिकम्स एन एडवांटेज टू योर डायग्नल कम्युनिकेशन अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है इट कैन डिस्ट्रॉय लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड फॉर्मल चेन ऑफ कमांड जो फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है हमारी वो ब्रोक हो जाती है फॉर्मल यानी कि आप अपने पहले सुपरवाइजर से बात करोगे वो अपने सुपरवाइजर सुपरवाइजर से से अपने से। तो जो लाइन ऑफ अथॉरिटी बनाई है वो नहीं फॉलो हो रही है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है सीधा सीधा दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है तो कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कमांड यहाँ पर नहीं है इट कैन क्रिएट ईगो हेजल्स एज इट टू लीव सुपरवाइजर्स ईगो बीच में आ जाता है कि यार मेरा एग्जीक्यूटिव है मेरी कंपनी में काम करता है मेरे अंडर काम कर रहा है लेकिन मुझसे ज्यादा बात मार्केटिंग मैनेजर से करता है तो डेफिनेटली ईगो बीच में आ जाता है यहाँ पर इट कैन लीड टू कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर एंड हेंस टू फर्दर कंफ्यूजन अब कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजर अगर कुछ बोल रहा है काम एच आर वाले को तो वो बड़ा बेचारा कन्फ्यूजन में घूमता फिरेगा कि इसने मुझे रिक्वायरमेंट दे दी है सेल्स की मेरे मैनेजर ने एचआर वाले ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ काम करना है लेकिन मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है काम करना है तो ऑर्डर्स में कन्फ्यूजन आने के चांसेस होते हैं मोस्टली वर्बल ऑफन नो वन इज अकाउंटेबल वेन थिंग्स गो रॉन्ग अब ज्यादातर यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी मेल पर नहीं हो रहा है रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है वर्बल है ओरली आपने जाकर किसी को बोल दिया तो जब चीजें खराब हो जाती है तो आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो क्योंकि यहाँ पर बात वर्बली हुई है यहाँ पर कहीं पर किसी तरीके का कोई एविडेंस या प्रूफ आपने पेश नहीं किया है तो इसको बोलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डायगनल कम्युनिकेशन आई होप वी हैव अंडरस्टूड द ऑफ दॉरिजोंटल कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इक्वल लेवल ऑफ हायरार्की पे काम करता है उसी के साथ साथ हमने डायगनल कम्युनिकेशन देखा जहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स आपस में इंटरेक्ट करती है कम्युनिकेट करती है वो होता है हमारा डायग्नल कम्युनिकेशन इसी के साथ हमारा जो ये आज का लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसको डिटेल में करेंगे टिल देन स्टेट यून टू आर चैनल थैंक यू वेरी मच